वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे शहर उल्लासनगर के लिए हमेशा फुल्ली नजर आता है। आलम यह है कि दूसरे शहर के लोग हमारे शहर में आकर वैक्सीनेशन लगाकर जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि हमारे शहर के लोगों को आकर वैक्सीनेशन लगाने कब मिलेगी। 60-70% युवा है और आप इस जो सेकेंड लहर में आप देख रहे हैं कि साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि युवाओं को ज्यादा खतरा है। मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही दुख भरी बात है कि कंटिन्यूस हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रमिला जी की जैसे आपने भी बात करी, हमारे जितने मेरी खुद की बेटी है या मेरे जो और छोटे युवा वर्ग के बच्चे, कंटिन्यूस आज एक हफ्ते से वो लोग एक एक दिन में विल यू बिलीव 60-70 बार वो लोग लॉग इन कर रहे हैं स्लॉट बुक। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रशासन पे, क्योंकि अब आप ये समझ चुके होंगे कि हमारे युवा जो वर्ग हैं वही आज रोड रस्तों पे हमें बचाने के लिए या हमारे बुजुर्गों को बचाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं लोकल लेवल के यानी लोकलाइज, अच्छा मैं आपको बता दूं उल्लासनगर में नेरूल से आ रहे हैं, वाशी से आ रहे हैं, घाटकोपर से आ रहे हैं, बैंड्रा से आ रहे हैं, यानी उनके लिए भी तकलीफ है, एक सजा बन चुकी है। ये वैक्सीनेशन नहीं हो गया, एक ये बहुत बड़ा इंप्रिजनमेंट है, पनिशमेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम होनी चाहिए, एक लोकल लेवल पे, कॉरपोरेशन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको एक बाइफोकेशन होना चाहिए कि जिसको जो अधिकार है, क्योंकि अगर बैंड्रा से कोई उल्लासनगर आएगा उसके लिए भी तकलीफ है और उल्लासनगर वालों को नहीं मिल रहा है। सो डेफिनेटली बहुत बड़ी त्रुटि है पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। काफी ट्राय की है पर खाली सिर्फ बुकिंग बता रहा है, बुकिंग हो नहीं रही है उल्लासनगर में। उल्लासनगर में सुविधा होनी चाहिए, मैं ये बोलूंगा कि उल्लासनगर में काफी क्राउड है, पब्लिक है, उनको ज्यादा तकलीफ ना हो, उनके लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए। मैं सबसे यही कहूंगा अच्छी सुविधा करें सब। इस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर जो है दिक्कतें हो रही है और जिस तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसमें ये देखने को मिला है कि देरी हो रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, कई लोग जो है अपने रेफरेंस से लगा रहे हैं, तो आपके पास किस प्रकार की जानकारी है? आज पूरे भारत में कोरोना रूपी राक्षस अपना तांडव मचा रहा है, लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। पूरे दिन में पूरे भारतवर्ष में 4 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और 4,000 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। इस कोरोना रूपी राक्षस को रोकने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है, वैक्सीन, पर वह वैक्सीन भी निष्फल होता दिखाई दे रहा है। हमारे उल्लासनगर में सभी प्राइवेट सेंटर्स में वैक्सीन लगाना बंद हो गया है। नंबर टू, जहां पर ऑनलाइन सिस्टम किया गया है 18 से 44 साल को, तो ऑनलाइन में उल्लासनगर वालों का नंबर ही नहीं आ रहा है। कई लोगों ने, कई यूथ ने ऑनलाइन पर बुक की है, पर सबका एक एक दो दो तीन तीन महीनों पर बुक हो रहा है। और यहाँ पर उल्लासनगर के सेंटर्स पे जो ऑनलाइन जहाँ पर वैक्सीनेशन चालू है वहाँ पर उल्लासनगर के 5% लोगों को भी वैक्सीन नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर बाहर के लोग आके बम्बई वाले, कल्याण वाले, डोंबेवली वाले, शाहपुर वाले, अंबरनाथ वाले यहाँ पर आके वैक्सीन लगा रहे हैं। और उल्लासनगर वाले यूथ का कम से कम एक एक दो दो तीन तीन महीना फुली बुक्ड दिखा रहा है, तो यूथ को भी वैक्सीन नहीं मिल रही है। उसके बाद जहां पर भी वैक्सीनेशन खोले गए हैं सुबह 5 बजे से लाइन लग रही है और वहां पर भी वैक्सीन कम आ रही है, कभी 100 डोज आ रहे हैं, कभी 70 डोज आ रहे हैं। तो जो 5 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर लोग लाइन में खड़े हैं उन्हें भी वैक्सीन नहीं लग रही है। तो आखिर उल्लासनगर वालों को वैक्सीन कब लगेगी, ये दिक्कतें कौन दूर करेगा? मेरी शहर के सभी नेताओं से, सभी पत्रकारों से यह विनती है, शासन प्रशासन से विनती है कि आखिर उल्लासनगर वालों को वैक्सीन कब मिलेंगी। ये जो अनियमितताएँ हैं, ये जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, उन्हें दूर करना चाहिए ताकि सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से वैक्सीन मिल सके। अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी, जैसे कि पूरे विश्व में चैनल वाले दिखा रहे हैं कि तीसरी लहर है और तीसरी लहर वह बच्चों और यूथ में आने वाली है, तो उसको रोकने के लिए एक ही वैक्सीन का हथियार है, वैक्सीन का प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर तरीके से हर एक के पास वैक्सीन लगे, यही मेरी शासन प्रशासन से विनती है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात।